हाँ तो गाइस ये देखिए आज क्या बन रहा है हमारा पहाड़ी भोजन। ये पत्ते होते हैं, ये पत्ते का क्या नाम है जी? ये पिनालू के, पिनालू के पत्ते होते हैं, पिनालू बोलते हैं। हाँ पिनालू के पत्ते होते हैं, गडरी पिनालू जो होता है ना, गडरी पिनालू, उससे ये बनता है। और ये हमारे पहाड़ में इसको बनाते हैं और मम्मी आज इसके पकौड़े बनाने जा रही है। अभी आपको दिखाऊंगा कैसे बन रहे। देखो अभी तो इसमें मम्मी ने बेसन लगा दिया और लपेट के देखो एक के ऊपर एक चढ़ा रहे। हल्की सेक में कढ़ाई में रख दिया तेल डाल के, इसको हल्की सेक में ढक्कन से दबा के, सेक में कढ़ाई में हल्के भाप द्वारा बनता नहीं। अच्छा ये जब पक जाएगा उसके बाद इसको ऐसे फूंक देते, इसको बातते भी क्या? हाँ बात। देखो मम्मी तेल भी ला गई कढ़ाई में डाल के, देखो ऑयल है इसमें, और ये देखो मम्मी धागे से इसको बात रही। खैर गाँव में तो बड़े बड़े होते ना, ये हमने उसमें लगा रखे। किसमें? किसमें? ये गमलों में लगा रहे हैं। पत्ते कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके कैमरा में। देखो जो डिस्क एंटीने के ऊपर नीचे जो पत्ता लगा ना गोल गोल, ऐसा होता है। तो ये तो हमारी छत पे लगे हुए थे, मम्मी ने लगाए थे, और अभी देखो ये देखो पूरे अच्छे से बांध दिया है इसको ऐसे रख दिया। ये हल्की आँच में मम्मी ने रख दिया और इसके ऊपर रख दिया सिलबट्टा। A few moments later. तो गाइज ये देखिए पूरा पक के तैयार हो गया, देख रहे हैं आप। ये देखो मैं किचन में हूँ मम्मी के साथ, और ये देखो इसमें भी खा सकते हो, मतलब टमाटर की चटनी, लहसुन, मिर्च और साथ में नमक, ये सब पीसा जाएगा सिलबट्टे पे। ये देखो अरे गजब यार, इसके साथ खाया जाएगा ये गावे को। अगर आपके घर में सिलबट्टा है तो बताना आप कौन कौन लोग मसाले सिलबट्टे में पीसते हैं। या ये रेडी हो गया है, मम्मी ने इसको देखिए थाली में निकाल दिया प्लेट पे। इसको ये देखो आपके सामने, ये देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो और मम्मी ने इसको इसके धागा निकाल लिए। तो गाइस देखिए ये अलग से हो गया, मम्मी ना इसको बिल्कुल केक की तरह काटेगी। बहुत इजी तरीके से, मतलब ये आपने केक की तरह पीस बनाना है इसका। तो गाइस देखिए मम्मी ने एक बाउल में जीरा ले लिया और उसके बाद इस जीरे को मम्मी इस कढ़ाई में डालेगी। ये हमारी चटनी तैयार है। वाह अभी देखते हैं फिर बताऊंगा आपको कैसा बना। ऑन कर गरम भी हो रहा है, बैठ जाता इसकी तरह बन जाता ना। और ये देखो यहाँ तेल गरम हो रहा है, तो गाइस जीरा डाल दिया है, अब जीरा ब्राउन होगा। तो गाइस देखिए ये, वाह ये देखो, ये देखो कैसे केक की तरह पीस है और ये हो जाता है। और मतलब मेन बात क्या है ना, हमारे पहाड़ का स्वादिष्ट फूड है ये। तो गाइड ये बहुत बेहतरीन सब्जी है हमारे पहाड़ की। जैसे आपने ये मम्मी ने अभी तेल में भुना है, अगर आप चाहते हो तो उसको और स्वादिष्ट बनाना तो मतलब उसको घी में भी आप डाल सकते हो। पहले तो घी में ही बांध की दाल में रोटी, मांस के बेड़ू बोलते हैं उसको, मांस के बेड़ू रोटी। तो मतलब ये हमारा पहाड़ी कल्चर है, ये बन जाता है तो मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसा क्या हो रहा है। मतलब आप घर में इजीली तरीके से बना सकते हो। मैंने सोचा ना कि ये भी आपको दिखाना चाहिए, मतलब हमारा कल्चर है, हमारा फैमिली चैनल है, आपको ये दिख जाएगी हाँ क्या प्रोसेस होती है और क्या चीजें बनता है। इसको ले जाते हो चावल के संग भी खा सकते हो, सभी के संग खा सकते हो, और चाय के संग भी एकदम पकौड़े की तरह यूज कर सकते हो। गाइस ये बन गए हैं, देखो मम्मी अब प्लेट में निकाल रही है। ये देखो देखो इसका कलर देखो यार, बाय गॉड। कभी भी आप ये चीज़ें निकालो ना, स्टील की थालियों में निकालो या वैसे कभी प्लास्टिक के बर्तन में निकालो, तो मम्मी कभी भी स्टील ही यूज करती ताकि प्लास्टिक गल जाते ना गर्म गर्म होते हैं। फाइनली गाइस ये बन गया है और अभी हम इसको देखते हैं, टेस्ट करते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। गाइस देख रहे हो पकौड़े इस टाइप से कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसमें जब चटनी पड़ेगी ना
और अभी से इसको देख के बिल्कुल मुंह में पानी आ रहा है। प्लेट में पकौड़ी आ चुकी है और यहाँ पर चटनी बन चुकी है, बस पुदीना डालना है और फिर ये रेडी हो जाएगा। हाँ तो गाइस अभी हम बन चुके हैं, हमारी ये पकौड़ी जैसे कि आप देख रहे हैं ये बन चुकी है और साथ में ये आम की चटनी जैसे कि आप देख रहे हैं आम की चटनी और ये दही भी है, इसमें कर्ड भी रखा हुआ, दही भी है तो आप, और ये सलाद है और मेरा चावल है, दाल है। तो ये जो पकौड़े है ना, कैसे भी आप इस चटनी के संग भी आप ये करके खा सकते हैं। ये देखो और साथ में रोटी भी है, आप रोटी के संग भी इसका मजा ले सकते हो, रोटी के संग देख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, रोटी के संग भी खाओ, एक नंबर ऑसम, मजा आएगा। आप भी इस सब्जी का मतलब जो भी है इस सब्जी का आनंद ले सकते हो और इसको ऐसे बना सकते हो, तो मतलब मजा आ गया, मुझे तो मजा आ गया। तो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना, और जो भी इसको ट्राई करना चाहता है, जो भी बनाना चाहता है, आप उसको बनाए और बहुत स्वादिष्ट है।